क्लासिक्स, सब्जेक्ट मैथ सेकेंड। मैथ सेकेंड में रेखागणित में पहला चैप्टर है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें सबसे पहला हेडिंग है बिंदु। इसमें सबसे पहला हेडिंग है बिंदु। बिंदु या पॉइंट किसे कहते हैं? तो किसी भी कागज पर तो पेंसिल या प्रकार या कलम की नोक द्वारा बनाया गया चिन्ह जिसकी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है, उसे बिंदु कहते हैं। इन्हें बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R से पढ़ा जाता है। किसी भी बिंदु का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हम नहीं नाप सकते हैं। इसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई नहीं नापा जा सकता है। तो इस प्रकार की चिन्ह को बिंदु कहते हैं। इसे PQR कुछ भी मान सकते हैं। इस बिंदु को हम PQR कुछ भी मान सकते हैं। तो माना ये बिंदु R है, ऐसे ये बिंदु और इस बिंदु का नाम Q है। तो किसी भी कागज पर बनाया गया चिन्ह, पेंसिल या प्रकार या पेन की नोक से जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं नापा जा सकता है, उसे बिंदु कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का परिभाषा क्या है या रेखाखंड किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड की लंबाई को नापा जा सकता है। रेखाखंड की सिर्फ लंबाई होती है, मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है। तो किन्हीं भी दो बिंदु की बीच की दूरी जिसको नापा जा सकता है, उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे कोई बिंदु यहाँ है, मान लेंगे कोई बिंदु ए है और दूसरा कोई बिंदु बी है। किसी भी दो बिंदुओं को नाप लेना ही रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड में सिर्फ लंबाई होता है, मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है। अगला हेडिंग है रेखा। डिफिनेशन ऑफ लाइन, रेखा का परिभाषा क्या है? रेखा किसे कहते हैं? जब हम रेखाखंड को दोनों ओर अनंत तक खींचते हैं, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। जब हम रेखाखंड को दोनों ओर अनंत दूरी तक खींचते हैं, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। रेखा की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई नहीं मापा जा सकता है। अगला हेडिंग है किरण। डिफिनेशन ऑफ रेज, किसी रेखाखंड के किसी एक बिंदु से एक ही दिशा में बढ़ाए गए अनंत दूरी को किरण कहते हैं। किसी एक बिंदु से
किसी एक बिंदु से बढ़ाए गए एक ही दिशा में अनंत दूरी तक। किसी बिंदु से बढ़ाए गए एक ही दिशा में अनंत दूरी तक, अनंत दूरी को किरण कहते हैं। अगला हेडिंग है समतल। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्लेन? प्लेन की परिभाषा क्या है? तो समतल एक ऐसा चपटा पृष्ठ होता है, समतल एक ऐसा चपटा पृष्ठ होता है जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैला होता है। समतल में लंबाई और चौड़ाई होती है परंतु मोटाई नहीं होती है, जैसे कागज का एक पृष्ठ। कागज के एक पृष्ठ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, लेकिन मोटाई नहीं होता। मेज की सतह, कक्षा में श्यामपट्ट की सतह, कमरे की दीवार की सतह अथवा ठहरे हुए जल की सतह समतल के उदाहरण हैं। अगला हेडिंग है प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। लेकिन जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। अगला हेडिंग है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समांतर रेखाएं की परिभाषा क्या है? डिफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, चाहे उन्हें किसी भी दिशा में तथा कितनी भी दूरी तक बढ़ाया जाए, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं में बीच की दूरी सभी जगह समान होता है। रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन सभी जगह लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा सभी जगह एक समान होगा। जैसे एग्जाम्पल में रेल की पटरी चूंकि रेखा नहीं है, रेखा का मतलब होता है जिसकी सिर्फ लंबाई हो, मोटाई या चौड़ाई नहीं हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझा जा सकता है कि रेल की पटरी जो होता है उसकी बीच की दूरी सभी जगह समान होता है। रेल की पटरी के बीच का जो दूरी होता है सभी जगह समान होता है, जिसके वजह से दोनों पटरी एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो कि कोई भी रेखा को समांतर होने के लिए मेन पॉइंट है कि उनके बीच का दूरी सभी जगह समान होना चाहिए। अगला हेडिंग है संगामी रेखाएं। डिफिनेशन ऑफ कॉन्क्यूरेंट लाइंस। किसी समतल में स्थित तीन अथवा तीन से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं।
किसी समतल में स्थित तीन अथवा तीन से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। यदि वे सभी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो उस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। तो उस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। जब किसी समतल में दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। जब किसी समतल में दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं तो वे रेखाएं काटती हैं तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग कोलिनियर पॉइंट्स। डिफिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। किसी समतल में स्थित तीन अथवा तीन से अधिक किसी समतल में स्थित तीन अथवा तीन से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित हो यदि एक ही रेखा पर स्थित हो तो ऐसे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। डिफिनेशन ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। किसी समतल में स्थित तीन अथवा तीन से अधिक बिंदु असंरेख कहलाएंगे यदि वे सभी बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हो। जब सभी बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे इस रेखा पर पी क्यू आर बिंदु है जो बिंदु क्यू क्यू जो है रेखा से बाहर है। तो इस प्रकार के बिंदु को असंरेख बिंदु कहते हैं।